आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरीज के। काफी के दिनों के बाद अब ये नया वीडियो आया है एंड आई नो कि आप लोगों की मुझसे काफी शिकायतें रही हैं, मुझे पर्सनली भी पिंग करके या जो मेरा टीडी का नंबर है उस पर पिंग करके लोग मुझको बोल रहे हैं कि इतना गैप क्यों आ रहा है वीडियोज में। तो उसके लिए मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा आपसे, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन सम पर्सनल थिंग्स, सो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले आ रहा है। खैर, कोशिश करते हैं उसको भी अगली बार से कम करने की। सो आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है सियाज 1.5 अल्फा डीजल, राइट। इसका हम रियल लाइफ रिव्यू जानेंगे हम कि इसका एक्सटीरियर में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में देखेंगे और इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में जानेंगे, ओवरऑल ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है उस प्राइस पॉइंट पे या फिर नहीं। सो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सो बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। लेकिन वीडियो पूरा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप साथ ही साथ मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tripdiary, दैट इज TRIPDIARIE। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको लगता है कि वीडियो आपको वैल्यू थोड़ी ऐड कर रहा है तो आप इसको लाइक और भी जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखते रहिए ट्रिप डायरी, चलिए शुरू करते हैं। सो फोक्स, बात करते हैं एक्सटीरियर की। अभी फिलहाल मैंने नंबर प्लेट निकाल दी है गाड़ी, बाकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं और ये जो नीचे है दीज आर द डेलाइट रनिंग LEDs और लाइट जो है वो काफ़ी ब्राइट है इसकी। इसके बाद नीचे आपको जो फॉग लैम्प्स भी हैं वो भी इसमें LED ही मिल जाते हैं, दीज आर बोथ वाइट। रियर इसमें फॉग लैम्प्स नहीं आते हैं, राइट। सामने से लोग कुछ इस तरीके का है, बात करूँगा मैं पीछे से। सो हुड के नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको मिलता है 1498 cc का, जी हाँ 1498 cc का डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है लगभग 95 VSP की पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क आते हैं। अगर साइड में बात करूँ अगर मैं यहाँ की, तो टायर साइज आपको मिल जाता है 195/55R16, जी हाँ 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। अब ये जो गाड़ी में बाहर से कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो आपको दिख रहा है वो कंपनी फिटेड ही है। लेफ्ट साइड में आपको साइड में आपको यहाँ पे मिल जाती है DDIS की बैजिंग। अब जो इंजन है वो 4-सिलेंडर इनाइल डीजल इंजन है। देन आपको यहाँ पे आपके ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं मिलते हैं इसमें फोक्स, राइट। तो आपको बटन से अंदर से ही करना पड़ता है। डोर पैनल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको पैसिव एंट्री भी मिल जाती है, बट ये थोड़ा मतलब वैसा ही ये क्रोम में नहीं है, राइट। ये वो जो रबड़ वाला पुराना इस चलाता था ये वैसा है। और इसके पहले बात करें अगर की की, सो यू गेट अ की लाइक दिस, राइट, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर, करेक्ट। अब ये दो चाबियाँ हैं मिलती हैं इसके साथ और दोनों ही आपको ऐसी की मिलती हैं। इसके अलावा आते हैं पीछे तो साइड से कुछ इस तरीके से लुक आता है गाड़ी का। विंडो वाइज़र जो है वो भी मैंने नेक्सा से ही लगवाए थे। बात करते हैं पीछे, जहाँ मुझे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है पर्सनली आर दी LED टेल लैम्प्स, राइट। ये मुझे कई लोगों ने पूछा है कि आपने ये क्या बाहर से लगवाए क्या, राइट। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट कि लगता है कि सच में ये आफ्टर मार्केट ही फिट कराया गया। ये देखिए जो 5 सीरीज़ वगैरह है BMW की उसमें भी इस तरीके से ही आते हैं। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरीके का लुक आता है आपको, जगह जगह क्रोम की फिनिश दी गई है। अब आपको यहाँ पे जो है स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग नहीं है बिकॉज ये स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है, राइट। यहाँ आपको सियाज की बैजिंग मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो, यहाँ आपका नंबर प्लेट, देन आपको रियर में ये देखिए पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं, राइट। दीज आर द रिफ्लेक्टर लाइट, उसके आसपास भी क्रोम यूज़ किया गया है। इतना सारा क्रोम यूज़ करने के बाद भी गाड़ी एलिगेंट लुकिंग ही है। के बाद बात करें अगर बूट की, राइट, तो इसमें आपको मैसिव 510 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। देखिए आप, राइट, काफ़ी बड़ी जगह है दोस्तों, ये देखिए, और डेप्थ भी अच्छी है, राइट। इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो आपको जो यहाँ पे स्टेपनी मिलती है जो स्पेयर व्हील जो मिलता है वो आपको एक साइज़ छोटा मिलता है और ये अलॉय नहीं है, राइट। आपको 15 इंच का व्हील यहाँ पर मिलता है। बाकी ये स्पैनर्स और बाकी सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं इसको मैं चलिए अभी बंद कर देता हूँ, राइट। पीछे अगर मैं यहाँ रियर विंडो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर डीफॉगर मिलता है, रियर वाइपर नहीं मिलता है। बात करें अगर साइड में इस तरफ से, सो हेयर यू गेट द फ्यूल टैंक, दिस इज़ डीजल ओनली। बाकी साइड से आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का लुक आता है विच लुक्स क्वाइट एलिगेंट। पर्सनली मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आती है, राइट। और जो फीचर्स ऐड करने के बाद मारुति आजकल गाड़ियाँ अपनी बहुत सुंदर बना रहा है वैसे भी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 170mm का 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ डिसेंट इन अ 5 फुट से। तो
तो ऐसी कोई नीचे से टकराती नहीं है गाड़ी, इतनी ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती इसमें। बाकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसमें आपको ABS और EBD मिल जाता है। अब ये जो है ये अल्फ़ा मॉडल है, तो ये जो टॉप मॉडल आता था वो है, और इसके बाद जो है ये गाड़ी बनाना मारुति ने बंद कर दी थी। ये लास्ट लॉट की गाड़ी है, दिस इज़ ऑफ आई थिंक मैंने इसको अगस्त 2019 में लिया था, राइट। सो उसके बाद से ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी है, मेरा साथ दे रही है अभी तक। चलिए आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। बात करेंगे सबसे पहले साइड डोर की, राइट। तो इसमें आपको ट्रिपल टोन इंटीरियर मिलता है, ये बेज, देन ये वुडन फिनिश, एंड देन अंदर भी क्रोम ये यूज़ किया ही गया है। इसके अलावा ये ब्लैक के साथ में, तो काफ़ी एक ओवरऑल काफ़ी एक ना प्लश और अच्छा लुक आता है गाड़ी का, राइट। साइड यहाँ की बात करें तो आपको ये भी एक पूरा वुडन पैनल है, दिस इज़ द क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। ये एक छोटा सा स्पेस दिया, इसमें कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, मैंने रख के रखे ही हैं। देन यू गेट द स्विच फॉर योर ORVM, ये लॉक एंड लॉक का बटन है आपका। देन ये पावर विंडो लॉक, देन यू गेट द पावर विंडो कंट्रोल्स। अब जो सिर्फ ड्राइवर साइड का है वो ऑटो अप एंड डाउन है, बाकी साइड में एक बड़ा सा एम्पल स्पेस मिलता है। डोर पॉकेट देखिए, ये इसमें काफ़ी सारा सामान आप ऐसे रख सकते हैं। एंड बॉटल जो है 1 लीटर की बॉटल आराम से होल्ड कर ही सकती है। ये जो है ये 750 ml है, लेकिन 1 लीटर की आप बड़ी बॉटल यहाँ आराम से रख सकते हैं। देन यू गेट अ स्पीकर, यहाँ पे कोई स्कफ प्लेट वगैरह आपको नहीं मिलती है। देन अगर आप यहाँ देखेंगे करेक्ट, तो ड्राइवर सीट जो है वो 8-way एडजस्टेबल है, तो इसको आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर सीट ही है, नेविगेटर सीट जो है वो वैसी 8-way एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके फॉग लैम्प का बटन, राइट, एंड देन हेयर यू गेट द पुश बटन स्टार्ट एज वेल। बाकी यहाँ से कुछ इस तरीके का लुक आता है। और बात करूँ अगर मैं पीछे की, सो हेयर इट गेट्स स्पेशल। ये देखिए, इट हैज़ गॉट दिस एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हेयर, राइट। तीन लोग, मतलब मेरे जैसे तीन लोग यहाँ आराम से बैठ जाते हैं। सेंटर में जो है आपका हम्प बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। इतना ज़्यादा किसी काम के नहीं है, बट लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो ठीक है। एंड देन क्योंकि ये अल्फ़ा है, और इसमें आपको ये जो रियर सन वाइज़र है, रियर सनशील्ड इसको आप कह सकते हैं, वो भी मिल जाती है। दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिक, दिस इज़ मैनुअल, तो इसको आप इस तरीके से खोल के लगा भी सकते हैं। अभी चलिए मैं वापस खोल देता हूँ। देन यू गेट द डोर लैम्प्स ऊपर यहाँ पे, और वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल देखिए आप, नीट एंड क्लीन, और काफ़ी आपको बेज इंटीरियर होने की वजह से एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आती है गाड़ी में बैठने के बाद। सेंटर में आपको यहाँ आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विथ कप होल्डर, तो आप अपनी 2 बॉटल इसमें रख सकते हैं। सीट्स जो हैं वो स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, राइट, तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से आपको थोड़ा स्पेस और मिल जाता है। देन ये सीट पॉकेट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। अंदर से अगर यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लुक आता है, जो कि काफ़ी एक मतलब बहुत प्रीमियम फील है इस गाड़ी का। बस एक ही चीज़ कमी मुझे जो खलती थी वो था कि इसमें सनरूफ होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। चलिए चलते हैं गाड़ी के आगे। बात करें अगर स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे सेंटर में आपको SRS एयरबैग मिल जाता है। हाँ, सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से इसमें एयरबैग सिर्फ 2 ही आते हैं, जो कि मुझे लगा कि टॉप वेरियंट है तो इसमें थोड़े ज़्यादा आने चाहिए थे। एटलीस्ट रियर साइड के लिए 2 एयरबैग तो कम से कम देने चाहिए थे, बट ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, राइट। हॉर्न जो है कुछ इस तरीके से सुनाई देता है गाड़ी का। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में आपको ये, एक तो सारे कंट्रोल्स काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। म्यूट, देन आपको मोड सेलेक्ट करने का फॉर योर इंफोटेनमेंट सिस्टम। वॉल्यूम अप एंड डाउन के आपको यहाँ बटन्स मिल जाते हैं, एंड देन यू गेट द बटन्स टू चेंज द सॉन्ग्स जब भी आप प्ले कर रहे हैं उस पर। देन राइट साइड में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के आपके बटन्स मिल जाते हैं, राइट, इससे आप सेट रीसेट कर सकते हैं स्पीड। और क्रूज कंट्रोल भी इसका काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे। यहाँ नीचे आपको 3 और छोटे छोटे बटन्स मिल जाते हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे। एक आपका कॉल उठाने का, और ये कॉल कट करने का आपको बटन मिल जाता है यहाँ पे। देन ये तीसरा बटन है, ये आपका वॉइस असिस्ट का बटन है, और ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। यूजुअली मैं कॉल्स वगैरह भी डायल करता हूँ जब, तो मैं इसके थ्रू ही कर देता हूँ। जस्ट हैव टू से कॉल, और ये चीज़ यहाँ से हो जाती है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक छोटा सा स्पेस और दिया गया है, जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। मैंने अभी सैनिटाइज़र रख के रखा है। चलिए चलिए अब गाड़ी मैं ऑन कर देता हूँ, बिकॉज गर्मी काफ़ी है। ये देखिए, पुश बटन जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये अभी लो फ्यूल की यहाँ वार्निंग आ गई, बिकॉज गाड़ी फ्यूल अब बिल्कुल नहीं है, वो अभी कराना है। अब आपको थोड़ा बहुत जो नॉइज़ आएगा वो एसी का आ सकता है। अब इसका एसी जो है वो भी काफ़ी पावरफुल है। देखिए, मैंने ऑटो पर डाल के रखा है अभी, राइट, तो अभी थोड़ा एकदम फ्लो बढ़ जाएगा, बिकॉज हम धूप में खड़े हुए हैं, करेक्ट। सो उसकी वजह से बात करूँ अगर यहाँ पर, तो आपको सेंटर में एक 4 इंच की काफ़ी बड़ी सी कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है, राइट, जिसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आपने देख सकते हैं। अब बात करें इसको आप ऑपरेट करने के लिए, दीज 2 आर द बटन्स विच आर गिवन, राइट। सो अगर मैं इससे देखता हूँ, सो ये मेरा ट्रिप और मुझे बाकी सारी चीज़ें दिखा रहा है, राइट। इट असिस्ट मी टू चेंज इट टू 0। अब आप जो देख रहे हैं फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर 23.1 की दिखा रहा है, जो कि सिटी में नहीं देता है। यूजुअली आई ड्राइव द कार ऑन अ हाईवे, सो हाँ, उस समय मैंने इससे दोस्तों लगभग 24
4 का भी एवरेज निकाला हुआ है एक बार टेस्टेड। सो एवरेज के मामले में 10/10 और 1.5 होने के बाद भी, जबकि स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है। बाकी आप इस बटन से आप इसको चेंज कर सकते हैं, राइट, एंड यू कैन सिलेक्ट कि आपको क्या डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। देन बाकी अगर आपको चेंजेस और करने हैं देन दिस टर्न्स अप, राइट राइट लेफ्ट ये हो जाता है, तो इसकी वजह से आप बाकी चीज़ें भी, सेटिंग्स वगैरह भी जो है वो उस पर आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग्स में जाना है दोनों को आपको साथ में प्रेस करके रखना रहता है, जिससे आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। सेंटर कंसोल पर अगर आता हूँ तो आपका टच डिस्प्ले। अब एक चीज़ मुझे इसमें कमी खलती है कि यहाँ पे ना वॉल्यूम की ना एक नॉब होना चाहिए, जो कि इसमें वॉल्यूम कम डाउन करने के लिए नहीं दिया गया है। या तो आप उसको स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इससे प्लस माइनस ही कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी इज़ एवरेज, आपको अलग से एम्पलीफायर वगैरह लगाना पड़ेगा अगर आप अच्छा एकदम साउंड सुनना चाहते हैं तो, राइट। बात करें अगर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की तो ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, इसमें आपको एकदम लैग बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, राइट। इसमें आप अपना ब्लूटूथ, एसडी कार्ड, एक्सटर्नल डीवीडी, ऑक्स कनेक्ट भी आपको मिल जाता है। देन इट हैज़ गॉट सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले एज वेल, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट गुड। यहाँ भी आपको आपकी सेटिंग्स की बटन हो गई एंड देन आपको यहाँ पे भी वॉइस असिस्ट जो है, राइट, डायल योर फोन बुक कैन नॉट बी लोडेड कंप्लीटली पेंडिंग स्पीच रिकॉग्निशन, सो आई हैव जस्ट अंडेड द स्पीच रिकॉग्निशन व्हिच इज गुड। इसके बाद नीचे आपको आपके एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा था एसी फोक्स बहुत बहुत शानदार है, मतलब एकदम मिनटों में आपकी गाड़ी कितनी धूप में भी खड़ी हो ना, लेकिन मिनटों में एकदम कूलिंग हो जाती है, आपको मज़ा ही आ जाएगा इस गाड़ी में एसी, मतलब मेरा पर्सनल तो मुझे काफ़ी अच्छा खुश हूँ मैं इसके एसी से। देन आपको आपके फ्रंट और रियर डिफॉगर के स्विच मिल जाते हैं। नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, राइट। अभी मैंने यहाँ पे बॉटल्स रख के रखी थी, दो इसमें आप बॉटल्स रख सकते हैं। नीचे आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और आपका यूएसबी और ऑक्स केबल का पॉइंट। देन इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लुक आता है इसका ओवरऑल, करेक्ट। देन यू हैव टू ओपन इट, यू जस्ट हैव टू टैप वंस और ये आपका ओपन हो जाता है। चलिए बॉटल रख देता हूँ। देन यहाँ पे हियर इज़ द गियर नॉब, 6-speed गियर नॉब है इसका, जिसकी वजह से ना आपकी गाड़ी 1500-2000 RPM के बीच में ही रहती है, आप अच्छे से चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा एवरेज यहाँ निकल जाता है। इसका रिवर्स गियर जो है आपको डालने के लिए, राइट, ये क्लिप को दबा के इसको आगे करना पड़ता है। एनसी द पार्किंग कैमरा आपका ऑन हो गया। अब ये जो है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, राइट, सो इट इज़ ईजी। देखिए ट्रेसिंग लाइंस भी हैं इसमें, सो ये काफ़ी सही है। देन आपको मिलता है हैंड ब्रेक और इस तरफ, फिर यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। देखिए मेरा वॉलेट इसमें रखा हुआ है और सिर्फ इतना ही आ सकता है इसमें, ये किसी काम का नहीं है यूटिलिटी वाइज, बट कुछ नहीं से कुछ सही। और आमरेस की तरह इसको आप लॉन्ग ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस वाइज ये बहुत छोटा दिया है मारुति ने, ये और बड़ा देना चाहिए था। बाकी इस तरफ अगर आएँ तो ये जो है ग्लव बॉक्स, इसमें काफ़ी सारी जगह है, ये एकदम डीप है और काफ़ी अच्छा है। सेम गोज़ विथ, बात करें अगर इस तरफ की तो आपको वही यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर मिल जाता है और डोर पॉकेट्स में बॉटल होल्डर मिल जाता है, 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से केबिन स्पेस है आपका। बाकी अगर बात करें यहाँ ऊपर की तो यहाँ मुझे वाइज़र में यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। इसके बाद अगर मैं इस तरफ देखता हूँ सो पैसेंजर साइड में मुझे यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, बट लाइट नहीं मिलती है वैनिटी मिरर में। सो ऊपर की बात करें यहाँ आपको मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर, देन दीज आर द लैम्प्स और ये काफ़ी ना अच्छे हैं, एक्चुअली बहुत ही मस्त दिखते हैं। ये देखिए आप इसको प्रेस करेंगे आपके लैम्प जल जाएंगे, तो ये जो है क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से अगर सामने से मैं आपको दिखा दूँ तो पीछे कुछ इस तरीके का लुक आता है। तो ये था गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। बात करूँ अगर मैं, चलिए मैं सीट बेल्ट लगा के ड्राइव से भी निकल ही जाते हैं। राइट, बात करूं अगर दोस्तों मैं गाड़ी के सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस की, तो इसकी सर्विस कॉस्ट जो है शोरूम में मुझे लगभग, अगर कुछ बड़ा खर्चा नहीं करवाना है, राइट, सिर्फ ऑयल एंड फिल्टर चेंज जो बेसिक सर्विस होती है, सो ये अराउंड मुझे लगभग अंडर 10,000 ही हो जाता है। मुझे याद है लास्ट टू लास्ट सर्विस में मेरा बिल बना था 15,500 का, बिकॉज दो चीज़ें उसमें चेंज हुई थी, एक गाड़ी का फाउंडेशन, इसका जो रबड़ था वो कट गई थी, जिसकी वजह से ना थोड़ा स्टीयरिंग में वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहा था, तो वो चेंज कराया था, तो दैट पार्ट वाज अराउंड 2500 रुपीज़। और उसके बाद गाड़ी के बारे में ब्रेक पैड चेंज कराए थे, शोरूम पे ही मैं इसकी सर्विस कराता हूँ। वो रिकमेंड कर रहे थे कि अभी चल जाएगा, बट आई सेड कि मुझे थोड़ा ना ब्रेकिंग में थोड़ा सा इशू लग रहा है, सो
आई गॉट इट चेंज, तो वो एक थोड़ा खर्चा था, तो 15,500 का कुछ बिल था, बट देन मेरे मारुति के जो लॉयल्टी पॉइंट्स थे उस वो ऐड ऑन होके तो 3,000 का डिस्काउंट मुझे वहीं मिल गया था। बाकी एक चीज़ बताना भूल गया आपको, इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर भी मिल ही जाता है। सो ये थी मेरी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, एंड बाकी गाड़ी जो है उसका जीरो डेप इंश्योरेंस था, सो फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स वो बाई डिफ़ॉल्ट ही आया था, और उसके बाद मैंने लास्ट ईयर जो है वो जीरो डेप इंश्योरेंस कराया, तो उसका कॉस्ट मुझे लगभग आया है 18-19,000 के आसपास। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस प्राइस पॉइंट पे, गाड़ी जब ली गई थी तो इसका प्राइस इट वाज बिटवीन 13-14 लाख, एग्जैक्ट प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, ऑन रोड प्राइस 13.5 या आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, मतलब 13-14 के बीच में ही कुछ था, टूवर्ड्स 14 ही था। सो वो चीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड। बस गाड़ी में जो है, देखिए अभी आप चलेंगे ना, गाड़ी का केबिन इंसुलेशन जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको नीचे इसमें एकदम काफ़ी सारा नॉइज़ आता है, राइट, जो अंडरनीथ जो टायर्स की स्क्रीचिंग की आवाज़ है वो भी काफ़ी अंदर आपको सुनाई देती है चलने पे। सो उस चीज़ से मैं बिल्कुल ही नाखुश हूँ, करेक्ट। बाकी जो साइड से भी कोई भी अगर बाजू से गाड़ी निकल रही है, आप हाईवे पे भी जा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा, और इवन खासतौर पे एक्सप्रेसवे पे, आप सीमेंटेड रोड पे गाड़ी को चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ इसमें आपको फील होता है। तो अगर आप गाने चलाते हुए चल रहे हैं तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो एक दिक्कत है, सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स अवेलेबिलिटी और ईज़ ऑफ यू नो ईज़ ऑफ सर्विस सेंटर्स, इस सब में तो कोई इशू आएगा ही नहीं। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ आपको, तो इस प्राइस पॉइंट पे स्पेसिफिकली अगर आप एवरेज देख रहे हैं और पावर के साथ, राइट, अब क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन है तो पावर भी आपको इसमें काफ़ी मिल जाती है, लगभग 1,500 RPM पे इसका टर्बो के कहीं होता है, सो आपको पावर भी बहुत अच्छी मिल जाती है इसमें, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आई एम सेटिस्फाइड विथ दिस। बट मारुति को करना चाहिए यार, आगे जाके सियाज में सनरूफ निकाल दो, अब शायद जब निकालेंगे फेसलिफ्ट तो उसमें निकाल देंगे, सनरूफ की कमी इसमें काफ़ी खलती है, क्योंकि अगर आप 12-13 लाख रुपए की या 14 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, सो आपको सनरूफ इसमें मिलना चाहिए था, जो कि मारुति ने नहीं दिया था। सो एंड बाकी हाँ, एक चीज़ और, इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड फीचर, मैं उसको यूजुअली ऑटो पर ही रखता हूँ, सो मुझे काफ़ी उसमें आराम हो जाता है। देखिए वहाँ भी शायद ना आई थिंक शूट ही चल रहा है गाड़ियों का और सबका, बिकॉज दिस लोकेशन इज़ गुड, तो यहाँ पे आए दिन ना कुछ गाड़ियों का स्पेसिफिक वीडियोस बनते ही रहते हैं। सो अभी और ड्राइव क्वालिटी के हिसाब से बाकी इट इज़ स्मूथ, राइट, जो गियर शिफ्टिंग है इसका, बाकी सारी चीज़ें हैं तो काफ़ी सही हैं। और अभी मैं इसको बेचने भी जाऊँगा ना, तो इसकी मुँह मांगी क्या मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब 2019 की गाड़ी है सब है और अल्फ़ा है और स्पेसिफिकली आना बंद हो गई है, दैट टू इट इज़ 1.5, तो गाड़ी 9-9.5 लाख रुपये, मतलब पीपल आर कोटिंग, मतलब क्योंकि कमी की वजह से, और ये ज़्यादा है नहीं, सो रीसेल में मतलब आप बोलो ऑलमोस्ट नहीं जितनी कीमत, 4 साल में 1 साल का आप 1 लाख रुपये कम कर लो, वैसी कीमत मिलने को तैयार है, और मतलब अगर मैं डालता हूँ कहीं पे तो एकदम तुरंत लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं इस गाड़ी को, तो वो देख के अच्छा लगता है। वो भी अभी तक टचवुड एक्सीडेंट नहीं हुआ गाड़ी का, हाँ छोटे बहुत माइनर माइनर स्क्रैचेस आए थे कि कहीं इधर उधर लग गई गाड़ी या साइड में पत्थर कहीं होता है ना, आप हाईवे पे जाते तो हो गया, या फिर रोड पे, उसकी वजह से, तो देन व्हाट आई डू इज़ उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेंटिंग करानी पड़ी गाड़ी की, और दैट टू वाज दैट ट्रांजिशन वाज आल्सो सॉरी दैट एक्सपीरियंस वाज आल्सो स्मूथ, क्योंकि वहाँ भी मतलब क्योंकि सर्विस सेंटर पे ही गाड़ी की सर्विस होती है, तो मारुति वालों ने वो भी करके दिया, काम उतना अच्छा नहीं किया जो उनको एकदम सैंड पेपर से जो घिसाई वगैरह होती है पहले कि पेंट स्मूथ हो, वो उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन बाकी ओवरऑल एकदम सही कंडीशन में है। तो सो ये था मेरा ओपिनियन, अगर आप भी अगर चाहते हैं और अगर प्री ओन्ड में भी इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, सो जस्ट चेक, अभी आपने कितनी जम की आवाज़ आई, शायद आपको नहीं आई होगी बिकॉज मैं माइक ला के बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है इसमें, एक एक आपको रोड का पूरा झटका फील हो जाता है। सस्पेंशन क्वालिटी इज़ गुड, पीछे आप बैठेंगे, पीछे बैठने में आपको काफ़ी आराम लगेगा, लेकिन बस मेजर जो मेरा इशू है वो है नॉइज़ का। लेकिन अगर आप इसको जाके डीजल में मारुति को प्री ओन्ड में ख़रीदना चाहते हैं, सो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको एकदम ही 25 का एवरेज या सब कुछ नहीं चाहिए, 25-30 का, इसको भी चलाएंगे तो 22-23-24 का एवरेज दे देती है आराम से, सो आप इसको प्री ओन्ड मार्केट में भी आराम से ख़रीद सकते हैं गाड़ी चेक करके। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग अ सियाज अल्फा 1.5 डीजल।
फोक्स, ये था हमारी सियास 1.5 अल्फा डीजल का रियल लाइफ रिव्यू। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो पे कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप ट्रिप डायरीज की नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। आप साथ ही साथ मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tripdiary, दैट इज TRIPDIARIE। सो दोस्तों आप सब अपना ही ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरीज। और हाँ, ये जो आप लोगों की कंप्लेन है कि मैं काफी गैप के बाद वीडियो डाल रहा हूँ या फिर सडन के बाद अभी नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन सम अदर वर्क एज वेल, सो इसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। और आप सब यूं ही बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ, एंड आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।